नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कम होने के बाद खुले बाजारों में बढ़ रही भीड़ के चलते सड़क के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव के नेतृत्व में शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस बार चेतावनी देकर के लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन भविष्य में यदि दोबारा सड़क पर अथवा सड़क के किनारे अतिक्रमण किया जाता है तो उनके खिलाफ जुर्माने के अलावा विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी नगर विकास जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ऐसा जो लोग सार्वजनिक सड़कों, मार्गों और पटरियों पर अवैध रूप से कब्जा किए हैं उनके खिलाफ आज अभियान चलाया गया है। अभी उनको हटवाया गया है तथा उनको ताकीद किया गया है कि भविष्य में अगर उनके द्वारा ऐसा दोबारा किया जाएगा तो उनके खिलाफ फाइन तथा विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी प्रकार का जुर्माना या लगाया गया? अभी जुर्माना आज नहीं लगाया गया, आज सभी को सचेत कर दिया गया। भविष्य में अगर उनके द्वारा इसका पालन नहीं किया जाएगा तो जुर्माना और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।